हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ के सब्जेक्ट ईवीएस की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी ये वर्कशीट वीक नंबर टू के लिए है जिसका टॉपिक है सुपर सेंसेस तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो बच्चे शुरू करते हैं सबसे पहले सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर डेट लिखेंगे क्वेश्चन है रीड द क्वेश्चन केयरफुल्ली एंड सेलेक्ट द राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और सही आंसर को सेलेक्ट करना है क्वेश्चन है विच बर्ड डज नॉट मेक नेस्ट कौन सा पक्षी घोंसला नहीं बनाता है ऑप्शन हैं कुकू स्पैरो और क्रो तो करेक्ट आंसर है कुकू इट मीन्स कोयल नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल कैन इमिटेट ह्यूमन लैंग्वेज कौन सा जानवर मानव की भाषा को इमिटेट कर सकता है उसकी नकल कर सकता है ऑप्शंस है पैरट पिकॉक और हॉर्स तो करेक्ट ऑप्शन है पैरट इट मीन तोता नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल स्विंग्स ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्री कौन सा एनिमल पेड़ों की शाखाओं पर झूलता है ऑप्शन है मंकी फ्लाइंग फिश और टाइगर तो करेक्ट ऑप्शन है मंकी इट मीन्स बंदर नेक्स्ट है एंड सर्कल द नेम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स हैविंग एक्सटर्नल एयर्स एंड अंडरलाइन दोज हुज़ एयर्स आर नॉट विजिबल बच्चे यहाँ पर जिन एनिमल्स और बर्ड्स के ईयर एक्सटर्नल होते हैं इट मीन्स बाहरी होते हैं उनके नाम पर सर्कल करना है और जिसके विजिबल नहीं होते इट मीन्स दिखाई नहीं देते उनके नाम के नीचे अंडरलाइन करनी है तो बच्चे पहले देखते हैं जिन एनिमल्स और बर्ड्स के ईयर एक्सटर्नल होते हैं तो कौन कौन से हैं एलिफेंट रैबिट बफेलो एंड मंकी और जिसके विजिबल नहीं होते हैं दोजा स्पैरो गोरेया पिजन कबूतर लेजर छिपकली फिश मछली आंट चीटी पिकॉक मोर स्नैक सांप क्रोकोडाइल मगरमच्छ अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सटिंक्ट एनिमल्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड बच्चों नीचे कुछ विलुप्त तो जीवों की पिक्चर दी गई हैं उनके नाम लिखने हैं फर्स्ट पिक्चर में कौन सा एनिमल है मैमोथ सेकेंड में है बच्चों डोडो बर्ड और ये है बच्चों डायनासोर क्वेश्चन नंबर फोर है सी द गिवन पिक्चर केयरफुल्ली दी गई पिक्चर को सावधानी पूर्वक ध्यान से देखें एंड राइट और स्पीक सम लाइन स्टोरी पोएम ऑफ योर ऑन और कुछ लाइने आपकी अपनी पोएम कहानी पर बनाइए और लिखिए या फिर बोलिए रवि एंड हिज डॉग वर वेरी गुड फ्रेंड्स रवि और उसका डॉग बहुत ही अच्छे मित्र थे दे बोथ प्लेड टूगेदर वे दोनों साथ खेलते थे यूज टू गो फॉर ए वॉक और घूमने के लिए जाया करते थे वंस एक बार रवि वेंट फॉर ए वॉक इन द फील्ड विद हिज डॉग एक बार रवि अपने डॉग के साथ फील्ड में घूमने के लिए गया देयर ही वॉज हर्ट ड्यू टू विच ही वॉज अनेबल टू वॉक वहाँ पर उसे चोट लग गई जिसके कारण वह चलने में अनेबल था देन हिज डॉग सपोर्टेड हिम तब उसके डॉग ने उसे सपोर्ट किया इट मीन्स हेल्प की एंड मेड हिम सिट फॉर सम रेस्ट और उसे आराम करने के लिए कुछ देर बिठा दिया देन आफ्टर सम टाइम और तब कुछ टाइम बाद बोथ ऑफ देम रिस्ड होम दोनों घर पहुंचे क्वेश्चन है वाई डू पीपल किल एनिमल्स लोग एनिमल्स को क्यों मारते हैं स्टेट एनी थ्री रीजन्स यहाँ पर कोई तीन कारण दीजिए आंसर है मीट के लिए स्किन के लिए टीथ के लिए बॉन्स के लिए और फेदर के लिए एक्सेट्रा अब बच्चे लाइफ स्किल से नोट टू प्लास्टिक बच्चों इसी वर्कशीट का सेकेंड पार्ट है प्लास्टिक इन एनी फॉर्म रिगार्डलेस ऑफ इट्स क्वालिटी इज हार्मफुल फॉर अस प्लास्टिक किसी भी रूप में इसकी चाहे कैसी भी क्वालिटी हो हमारे लिए हानिकारक है एंड आवर एनवायरनमेंट और हमारे पर्यावरण के लिए वी मस्ट स्टॉप यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट हमें अपने पर्यावरण के भले के लिए प्लास्टिक को यूज़ करने से रोकना चाहिए देर आर वेरियस इको फ्रेंडली अल्टरनेटिवस दैट कैन बी यूज टू स्टॉप मिनिमाइज द यूज ऑफ़ प्लास्टिक हमारे पर्यावरण में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक के यूज़ को कम करती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यूज ऑफ क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग प्लास्टिक बैग की, की जगह पर कपड़े के बैग का यूज़ करना एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स स्प्रेड अवेयरनेस अमोंग एटलीस्ट फाइव पीपल फ्रॉम योर सराउंडिंग अबाउट हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ प्लास्टिक अपने आस पास के कम से कम पाँच लोगों को प्लास्टिक के हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में जागरूक करें इट मीन्स बताएँ नेक्स्ट है मेकअप पेपर बैग यूजिंग ओल्ड न्यूज़ पेपर और मैगजींस पुरानी पत्रिकाओं और अखबारों का यूज़ करके एक पेपर का बैग बनाएँ सजेस्ट एनी वन वे ऑफ रीयूजिंग वेस्ट प्लास्टिक खराब प्लास्टिक को दोबारा किसी भी दूसरे तरीके से यूज करने की सलाह दें फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेकिंग अ प्लांट पॉट फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक बोतल्स खराब प्लास्टिक की बोतलों से पौधों के पॉट बनाए जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं फेस्टिवल अम्बेडकर जयंती अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेटेड इन in इंडिया एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष भारत में अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है ऑन फोर्टीन अप्रैल ऑन बर्थडे ऑफ डॉक्टर भीम राव राम जी अम्बेडकर डॉक्टर भीम राव राम जी अम्बेडकर के जन्मदिन पर चौदह अप्रैल को ही इज ऑल्सो नन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है ही है डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्राइव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उन्होंने समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था स्टूडेंट्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू